जो पिताजी की माँ क्या बोलते हैं उसको, दादी क्या, हाँ, तो उनका नाम भागुबाई था। वो शरीर छोड़ने के बाद मेरा जन्म हुआ, इसीलिए भागुबाई, तो ये उन्होंने अर्थ बताया था। और हमारे चार भाई थे, चार भाई में से चारों को भी नाम अच्छे थे। एक था पांडुरंग, दूसरा बीरुदेव, तीसरा नामदेव, और मेरा नाम सबसे अच्छा भगवान है। तो चारों भी देव के नाम थे। और पिताजी का नाम दगड़ू, दगड़ू मतलब पत्थर को दगड़ू बोलते, पत्थर से भगवान बन गया। और घर में चार बहनें थी, तो ऐसे खेती बाड़ी में रहते थे। 11 साल के बाद मेरे मन में आए तो गए स्कूल में गया, लेकिन उससे पहले मैं जब छोटा था तो मैं देखता था वहाँ गांव के लोग झगड़ा करते थे, किसी से दुश्मनी करते थे, तो मुझे लगा था कि मुझे समाज के लिए कुछ, इस समाज से भी कुछ अलग करना है। मैं एक दिन जब स्कूल से आ रहा था, छोटा था, तो एक वहाँ बकरियाँ जो बहुत ज़्यादा चलती हैं, बकरियाँ चराते हैं, बकरियाँ पालते हैं, तो एक चोर आया, उसने मुंह बांधा था और बकरी वालों को कहा कि हमको बकरियाँ चाहिए, उसने नहीं दिया, तो उसको क्या क्या काट दिया, बकरी चराने वालों को काट करके खड्डा खोद के उसमें डाल दिया। तो बकरियाँ क्या क्या चारों तरफ से बैठ गई, और एक बकरी आकर के वो घर वालों को बुला के लेके आए। तो मैं ये सब देखता था, मेरे अंदर वैराग निर्माण हुआ। मैंने सोचा लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो एक बार मैं, वैसे तो मैं शुरू में भक्ति भी नहीं करता था, इस जन्म में तो पिछले जन्म में शायद भक्ति मेरी पूरी हो गई होंगी। तो जब स्कूल में जाता था तो मेरे को बच्चे क्या करते थे, वो वहाँ बबूल के पेड़ बहुत होते हैं, गम लेके आओ बोलते थे, वो गम आता है ना उसका, तो मैं सवेरे सवेरे जाकर गम निकाल कर लाता था। अगर गम नहीं देते थे तो मेरे को फिर वो पिटाई करते थे बच्चे लोग। अब मैं तो घर में नहीं बोलता था, घर वाले बोलते थे तुम छोड़ दो ना, क्यों जाते हैं, अब मेरा घाटा हो जाएगा। मैं टीचर को भी नहीं सुनाता था, तो मैं डर डर करके बच्चों से गम लेके आकर के देता था, सबको बांटता था फ्री में। तो इस तरह से जब गांव का वातावरण का मेरे पर काफ़ी प्रभाव होने लगा, जब लड़ते थे लोग ये करते थे, तो मेरे को तब से वैराग शुरू हुआ, मुझे कुछ अलग से करना है। ऐसे करते करते हैं 7वीं तक मैंने पढ़ाई की, रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके ऐसे पढ़ाई किया। 7वीं के बाद मैंने सोचा मैं क्या करूँगा, बड़े शहर में जाकर के पढ़ाई करूँगा। मैं वहाँ चला गया, लेकिन हमारे इसमें जो जाति में दूसरा कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं, मैं एक अकेला उस जगह पर। तो उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर तंत्र विद्या कर दिया। तो मैं जब गया स्कूल में, परीक्षा नज़दीक आई थी, मुझे परीक्षा के पेपर दिखते ही नहीं थे कुछ भी। तो मैं सवेरे निकलता था, शाम तक परीक्षा पेपर देखने में पहुंचता था। तो टीचर कहा कि तुम सवेरे क्यों नहीं आए, मैंने कहा मैं सवेरे निकला था, मैं पता नहीं कहा। तो उसके बाद मैं वापिस आ रहा था, अपने गाँव में आया, गाँव काफ़ी दूर था, तो गाँव में पैदल जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ बस नहीं चलती। तो मैं क्या, वो तांत्रिक विद्या का विद्या का प्रभाव के कारण एक नाला था उसके अंदर डर गया, एक इविल सोल की प्रवेशता होगी। फिर दूसरा नाला था उसके अंदर भी डर गया, तीन इविल सोल के प्रवेशता होगी। और वहाँ एक नियम है, माना शुरू से लेकर के लोग बोलते हैं काफ़ी समय से, वहाँ 3 साल के बाद एक बार किसी व्यक्ति में इविल सोल प्रवेश होता है और वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, उसको लेके ख़त्म ही कर लेते हैं। तो जब मेरे को कहा, सभी लोग बोलने लगा अब ये तो ख़त्म होने वाला है, तो 2 बार तो शरीर भी छोड़ दिया था। वो डॉक्टर ने अगर चेक किया कहा कि ख़त्म हो गया, लकड़ियाँ भी लेके आए, लेकिन फिर बाद में हलचल थोड़ा हिल गया तो बोला नहीं नहीं, फिर एक किसी ने देखा कि बोला इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा मुझे कुछ, मेरे को ऐसा क्यों होता है, किसी ने कहा आप भक्ति नहीं करते हैं। तब से मैंने क्या किया, एक गुरु को गुरु बनाया, तो विभूति लेता था, फूंकता था, लेकिन मेरे को ये ठीक नहीं लगता था, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं कुछ तो करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए जाना था, लेकिन उस समय क्या हो गया, थोड़ा बीमार था उस समय, हमारे जो पिताजी का भाई बोलते ना, तो वो क्या करते थे, जमीन ले रहे थे, तो पिताजी ने कुछ कहा कि भाई आप क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या कि आपने इसके ऊपर खुरपा मार दिया हाथ पर,
और पुलिस स्टेशन ले गए, तो पुलिस वालों ने हमारे घर के सारे लोगों को लेके गए। तो मुझे लगा ये मेरे सामने, और उन्होंने वो FIR दर्ज किया, हमको कुल्हाड़ी से तोड़ा, और मैंने आंखों से देख रहा था कुल्हाड़ी से, तो इन्होंने कुछ हाथ भी नहीं लगाया था, उसने खुद खोरपा डाल दिया, मार दिया और जाकर के झूठ। मैं ही सोचे कि दुनिया में सच्चाई क्या है। मैंने तब से प्रतिज्ञा की मुझे ना जमीन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हमारे भाई की शादी होगी, जब भाई की शादी होगी तो पत्नी ने भाई को लेके जाकर के शराब पी करके जमीन कुछ नाम से लिखवाई, मार भी दिया उसको। तो मैंने सोचा शादी तो सुख के लिए करते हैं, तब से मैंने और भी संकल्प किया मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूँगा। इस तरह से जो भी ऐसी घटना होती थी, मैं तो छोटा था, मैंने उसको अलग प्रकार का थोड़ा लिया। और करते करते उसके बाद मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो मैं क्या क्या काम करने के लिए सूरत में आ गया। जब सूरत में आया तो सूरत में एक मुसलमान के घर में रहा मैं 2 साल मुसलमान के, क्योंकि मुझे पता नहीं हिंदू कौन मुसलमान कौन, मैं तो बचपन में छोटे सबको एक जैसा मानता था। तो किसी मुस्लिम ने कहा कि आप मेरे पास रहो, तो उसके पूरा परिवार में रहता था, तो साथ में चलना, लेकिन मैं अपने नियम कायदे कानून में बहुत अच्छा रहता था। तो 2 साल पढ़ाई करके फिर वापस घर में गया, फिर पढ़ाई की। और उस समय वो पैसे भी क्या हो गया, किसी बॉम्बे में टिकट वालों को पूछने के लिए गए, भी ट्रेन कहाँ जाते हैं, उसने कहा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, मैंने कहा 500 रुपये हैं, दे दो, दे दिया। फिर कहा जाओ अब, मैंने कहा टिकट, कहते जाओ नहीं तो तुमको जेल में बंद कर देंगे। मैंने सोचा मैं पूछताछ में गया और पूछा, जो 2 साल में कमाए वो भी ले लिया। और तब से मैं कभी बॉम्बे में, मेरे को बहुत ये बॉम्बे गया नहीं तब से। तो इस तरह से मना जीवन में विघन ही विघन आते रहे। और उसके बाद फिर वो वहाँ से मैं घर चला गया पैदल पैदल, 2 दिन पैदल पैदल करके गया घर तक, क्योंकि पैसे थे ही नहीं मेरे पास जाने के लिए। तो फिर उसके बाद घर में पहुँचे, घर वाले तो खुश हो गए, आपने कितना कमा कर लाया। तो मैंने तो सिर नीचे किया, मैं बोला फिर बताया मेरे से ऐसा ऐसा हो गया, बोला कोई बात नहीं तुम खुद आए अच्छा हो गया। अब फिर मेरे पास पैसे थे ही नहीं अभी, तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, प्रदर्शनी का अंक था आधा। टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चंद्रमा तक गए, चंद्रमा से पार कोई गया ही नहीं, अल्मस्ट्रांग ने। लेकिन मैं जब 3 लोग का चित्र देखा, मैंने सोचा अरे चंद्रमा जी भी पार, ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, उसके पार भी बिंदु बिंदु है, यहाँ कौन गया होगा। तो मैंने उस किताब को जाकर सर को दिखाया, हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं, ने कहा कि कोई गया ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास किताब है, दिखाया। तो टीचर ने देखा, बोले छोड़ो इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मुझे लगा सर को कुछ पता ही नहीं आए, तो मैं सबको पूछता था चंद्रमा से भी पार कौन गया भाई, जो जो पढ़े लिखे लोग मिलते थे, मैंने कहा चंद्रमा से भी पार कौन गया। वो लोग बोले इसको क्या हो गया भाई। तो आखिर मेरे को कोई जवाब ही नहीं देता था, तो मैंने क्या किया, 15 पैसे का पत्र लिया और नीचे ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया करके पत्र लिख दिया, क्योंकि मैं तो छोटा था। तो वहाँ से एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, मैं क्या किया कुएं से ला करके पानी भरना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा पानी बेचता था इधर उधर लोगों के घर में। 6 महीना 10 रुपये इकट्ठा किया, उसको MO से भेजा, और वहाँ से मुझे करेस्पॉन्डेंट कोर्स की किताब आई, और वो किताब आई, वो पढ़ करके मैं आत्मा हूँ, फिर बाहर का भोजन नहीं खाना है, ये सब जो भी धारणा बताई थी, जो जो किताब में लिखा था वो करना शुरू किया। 4 बजे उठ कर योग लगाता था, और इस तरह से 2 साल तक मैं इस किताब के माध्यम से ज्ञान में चले, और 10वीं में बोर्ड में 1ला नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, और जब वो कोर्स कर रहे थे, बाजू में एक ब्रह्मा कुमारी इसका गीता पाठ साथी, वहाँ मैं जाना शुरू किया। तो उसी दिन मुरली बहुत अच्छी चली, जैसे बताया था आत्मा के ऊपर, तो मैंने सोचा यहाँ आत्मा का लेसन है, फिर मैं यहाँ हाथ पर भी लिख करके रखा, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा याद आई करके 2 शब्द लिखे अभी भी, उस समय 84 की बात है। तो रोज फिर, तो एक दिन मैं बाबा को कहा कि बाबा
मैं बहन जी को पूछा, बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है। कहते नहीं नहीं माउंट आबू में तो तुम नहीं जा सकते, तुम क्या करोगे वहाँ जा करके। तो उसी समय बहनों की बहुत डिमांड थी। मैंने बाबा को एक रात भर बैठ करके कहा, बाबा मुझे आपने बहन जी क्यों नहीं बनाया, मैं तुरंत सेंटर पर कहीं ना कहीं रहता। ऐसा रात भर बाबा को बोलता रहा, झगड़ा करता रहा बाबा से। फिर दूसरे दिन वो बहन जी ने कहा, अरे भाई तुम अलग से कमरा लेकर रहते हो, वहाँ रहने के बजाय गीता पाठशाला में रहो। तो मैं बाबा को थैंक्स दिया, हमने कहा बाबा थैंक्स। और तब से लेकर के मैं गीता पाठशाला में रहना शुरू किया, अंदर आया बाहर गया ही नहीं, समर्पित जीवन को बना दिया। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो एक दिन मुरली सुन रहा था, उस समय मेरा घर से टिफिन आता था, तो बाबा की पूरी मुरली चली, बच्चे भोजन शुद्ध खाना चाहिए, बाबा की याद का भोजन खाना चाहिए। मेरा तो टिफिन आता था, मैंने घर में 15 पैसे का पत्र लिखा, मुझे भोजन नहीं भेजो, मैं खुद तैयारी करके खाऊंगा। मेरे को ना आता था ना पैसा था। तो 3-4 दिन डब आता था, मैं किसी को बांटता था। तो 3-4 दिन के बाद वो गीता पाठशाला वालों को पता चला ये कुछ खाता ही नहीं, तो उन्होंने मुझे एक स्टो दिया, एक पतीला दिया। तो मैं उसमें चावल डाल उबालता था, चावल उबाल करके चीनी डाल के खाता था। 4 साल तक चावल में चीनी डाल के खाया, बाहर का भोजन नहीं खाया कब से। और आज बाबा ने कहाँ रखा है, जहां 25,000 लोगों का भोजन बनता है वहां रखा हुआ है। इस तरह से धारणा पक्की करता गया, अमृत वाला की धारणा, मुरली सुनने की धारणा। तो मैं आसपास जाकर के क्या करता था, गीता पाठशाला में केवल 3 लोग आते थे, 3 या 4 लोग आते थे, ज्यादा नहीं आते थे। तो मैं क्या करता था, संडे के दिन छुट्टी रहती थी आईटीए में, तो मैं वहां जाकर के कोई मंदिर के आसपास में जाकर के सबको सुनाता था, आप 1 घंटे के बाद मंदिर में जाना। 1 घंटे के बाद इसीलिए बोलता था क्योंकि सुनाने वाला खुद ही, मैसेज देने वाला खुद ही। सबको सुना करके आकर के बैठता था, चित्र प्रदर्शन लगा करके पढ़ाई करते बैठता था, जो आते थे उनको समझाता था, फिर उनको गीता पाठशाला में बुलाता था। ऐसे करते करते करीबन 70-80 लोग ज्ञान में निकले वहां से, 70-80 लोग ज्ञान में निकले एक एक करके। उसके बाद मैंने आईटीआई भी पूरा हो गया, अब जाना कहाँ है। मेरे को कॉल आते थे आईटीआई नौकरी के लिए, तो मैं देखता था, मैं सोचा अभी जन्म जन्मांतर नौकरी किए हैं, पहले क्या करूँगा, मैं इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान पक्का सीखूंगा। तो मैं क्या करता था, कॉल को फाड़ के फेंकता था। मेरे को खाने का प्रॉब्लम है, रहने का प्रॉब्लम है, नौकरी पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान इतना ऊंचा है। मुझे सोचा कि मैंने सोचा ज्ञान पहले सीखूंगा उसके बाद नौकरी पकड़ूंगा। और इस तरह से तो मैंने क्या किया, सोचा कि मैं गीता पाठशाला में इतनी अच्छी पालना ली, सेंटर पर जाकर के पालना लूंगा। तो वहाँ नज़दीक जिला था सांगली जिला, वहाँ चला गया। तो मैंने सोचा वहाँ रहने का कुछ ना कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो वहाँ एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में गया, मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर जी आपको कोई कंपाउंडर की ढूंढ ही रहा था। कहता मैं आपको 700 रुपये दूंगा, आप सवेरे 7 बजे आना, शाम को 7 बजे जाना। मैंने सोचा 7 बजे आऊँगा तो मुरली तो मिस हो जाएंगी। मैंने कहा डॉक्टर जी मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये दे दो, मैं सवेरे 9 बजे आऊँगा, 7 तो क्या रात को 10 बजे जाऊँगा, लेकिन सवेरे 7 से लेकर के 9 बजे तक मैं कोई यमराज भी आऊँगा आएगा तो भी उसको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मुरली का टाइम होता है। तो डॉक्टर तो देखने लगा, मैं आपको 700 रुपये देता हूँ। मैं बोला मेरे को चाहिए नहीं इतना, मुझे 100 रुपये चाहिए। तो कहता ठीक है कभी भी आओ और कभी भी जाओ। मना मुरली के लिए इतनी लगन। आज कई कुमार, मैं एक कुमार मेरे पास आया, कहते भाई साहब मेरे को स्थिति बिगड़ गई। मैंने कहा क्यों, कहते मुरली नहीं मिलती है। मैंने कहा तुम क्या करते हो, कहते कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा कॉलेज में कितना बजे जाते हो, 11 बजे। हमने कहा सवेरे आया करो, कहते नहीं सवेरे ट्यूशन लगाता हूँ ना, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने कहा शाम को आऊँ, शाम को कितना बजे आते हैं कॉलेज से, 4 बजे। हमने कहा 4 बजे के बाद आऊँ, कहते उसी समय भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा पेट छोटा सा है, 2 रोटी चाहिए, कुमार हैं और तुम सवेरे कमाएगा शाम को कमाएगा, फिर कॉलेज का पैसा आएगा और उसके पीछे मुरली मिस करेगा। उसकी तो आंखें खुल गई, कहता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तुरंत उसने दोनों भी ट्यूशन बंद किया और मुरली सुनने के लिए आना शुरू किया।
ये मुरली की लगन, क्योंकि मुरली हमारी चाबी है, मुरली हमारा भोजन है। तो इस तरह से तो मैं क्या करता ना, मुझे कैशियर की सेवा मिली थी, मैं मुरली सुन करके साइकिल पर जा 9 बजे जाकर बैठता था और मैंने एक चित्र सामने लगाया था, बिल्कुल ध्यान में बैठता था। तो डॉक्टर मेरे को एक दिन पूछा, आप कोई आश्रम में जाते हैं? मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। कहते आपके जैसे लोग मिलेंगे? और मैंने कहा देखूंगा। तो एक कुमार फ्री था, उसको भी वहाँ सर्विस लग गई। तो कुछ समय के बाद डॉक्टर कहता है मेरे पास एक 2 मंजिल का मकान खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। मैंने बहनों को कहा हमारा डॉक्टर ऐसा ऐसा बोलता है। कहता है हाँ वहाँ सेंटर नहीं, चलो अच्छा है। तो वो उन्होंने 2 मंजिल का मकान भी दिया और अभी भी ब्रह्मा कुमारी को ही दिया। इतना ही नहीं, वो हॉस्पिटल में भी अभी कुमारी रहते हैं। वो डॉक्टर तो अभी, उसको कोई बच्चा भी नहीं था, एक बच्ची थी, शादी होकर चली गई, कुमारी वहां रहते। ये है लगन। उसके बाद मेरे को सेवा का इतना लगन रहता था, तो एक मैं हॉस्पिटल से अपने घर के तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा एक बस लगी थी, लेकिन बस जहाँ लगी थी वहाँ बाबा का संदेश नहीं था। मैं घर में जाने के बाद उस बस में बैठ गया। अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। जाकर उस गांव में गया तो मैंने सोचा अब रहेंगे कैसे। तो किसी को मैंने पूछा मुझे रहना है, तो कहा कि एक यहाँ मठ है, यहाँ मठ मतलब एक मंदिर के तरह है, आप जा करके वहाँ रह सकते हैं। तो मैंने सोचा मठ वाला स्वामी जी मेरे को देख करके बोलेगा ये ब्रह्मा कुमार आया। मैंने ब्याज उतार करके जेब में डाल दिया और मैंने जाकर के कहा कि स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अशांति है। कहता है तुम मेरे को गुरु बनाओ, तुमको शांति का मार्ग दिखाऊंगा। मैंने कहा लेकिन गीता में कहा है देह सहित संबंधी को भूल जाओ, आप तो देहधारी है। उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, वो कहता है भाई तुम कौन हो, गुरु तो मुझे तुमको करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपना ब्याज निकाल करके लगाया। मैंने कहा भाई आप क्यों लोगों को बुद्धू बना रहे? कहता है क्या करे, नौकरी नहीं लगी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मैंने सन्यासी बन के यहाँ आकर के कमा रहा हूँ बस। मैंने कहा आपने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है, क्योंकि असली भगवान परमात्मा है और आपने आपको ये कर दिया, लोग पाव पड़ते आपके, ये क्या है? तो जब हम नहाने के लिए कुएं में जाते थे वो माला फेर के जाता था शिवम शिवम। मैंने कहा शिव आप हैं पार्वती के पति? कहता नहीं। तो मैं बोला आप बोलते हैं शिवम शिव, नहीं आप ऐसा को मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, माला पहले पहले आत्मा हूँ करके बैठो। कहते ठीक है आत्मा हूँ करके। तो उसको पूरा अपना रंग लगा दिया। 7 दिन का कोर्स भी मैंने किया। तो मैंने कहा आपको एक काम करना है, इस शहर की सारी ज्योति बुझी हुई है, इनको बाबा का संदेश देना है। कहता बताओ मैं जो भी खर्चा करूँगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर वहाँ की बहनों को बुलाया, वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया और वहाँ सेंटर चालू किया उसी शहर में। तो इस तरह से उसके बाद फिर भी मेरे को, फिर वापस हॉस्पिटल में आया। उसके बाद मेरे को लगा नहीं मुझे कुछ तपस्या करनी है, क्योंकि मधुवन मुझे खींच रहा था। लेकिन वहाँ की सेंटर की बहनें बोली तुम तो योगी ज़्यादा लगाते हैं, सेवा नहीं करते, तुम मधुवन में नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा क्यों नहीं जा सकते, मैं तपस्या शुरू किया। एक माता जी ने मुझे मकान दिया था, खाली पड़ा था और मैं तो चावल में चीनी डाल के खाता था। तो मैंने क्या किया, 6 महीना तक सवेरे रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक 6 महीना तपस्या किया, रात रात जाकर के योग किया। और उसी योग में जो अनुभव हो गए वंडरफुल, वहां से ड्रामा अनुसार कैसे मधुवन में पहुंच गए। मधुवन में पहुंचने के बाद 2 साल तक मधुवन में रहता था, रात भर बाबा आता था। मैंने तब तक घर वालों को नहीं सुनाया था सब कुछ, मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, यह करता हूँ, कुछ नहीं बोला था, क्योंकि वो अनपढ़ थे, कच्चे थे। उनको इतना बोलता था मैं थोड़ा सा कुछ सत्संग करता हूँ, ऐसा करता हूँ, इतना थोड़ा बोला था। अपने आप को पहले पक्का करने का सोचा था। उसके बाद जब मधुवन गया तो रोज़ बाबा मिलता था। एक दिन बाबा सेवादारी से मिल रहे थे, कहते बच्चे सेवा मतलब कहीं भी बाबा भेजेगा जाएंगे? तो मैं कहता हाँ, हम कहते थे बाबा हाँ जाएंगे। तो दूसरे दिन 2 बजे क्या हो गया, दोपहर को गुलजार दादी ने मुझे बुलाया किसी के द्वारा। तो मेरे को पूछा तुमने दिल्ली नहीं देखी ना? मैंने कहा नहीं दादी देखी। तुम जाओगे? हमने कहा दादी आप भेजेंगे तो जाएंगे। कहते ऐसा है अभी अभी अपना सामान लेके आओ, आधा घंटा यहाँ किसी को भी नहीं बताना।
तो मैंने कहा मैं दादी जिसके पास सेवा करता हूँ उसको भी नहीं बताना, हम बता देंगे बोल। मैंने मुझे नशा चढ़ी, बाबा का रथ बोल रहे हैं तो जो होगा अच्छा होगा करके मैंने सामान तो क्या, मेरे पास एक लोहे का ट्रंक था, लोहे की पेटी, वो लेके आया फटाफट, एक ड्रेस था, तो दिल्ली चला गया। और मेरे को सेवा मिली क्या, वो फॉरेनर आते थे उनका टेबल पोछने की सेवा मिली। तो मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, मैं जो मधुबन में रहता था एक मराठी भाई के पास रहता था, लेकिन जब दिल्ली में आए जो भाई वहाँ संभालता था सेवा, तो उसने मुझे एक दिन कहा कि तुम टीन लेके आऊँ, तो मैं टीन समझा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में डब्बे को टीन बोलते या कनस्तर बोलते, लेकिन हम तो डब्बा बोलते, डब्बा जानते थे। जो टीन मांगा तो मैंने धीरे से पूछा भाई जी क्या लाना है, उसको गुस्सा आया, कहता दादी आप पता नहीं कौन से गधे भेज देते हैं जिसको हिंदी भाषा भी नहीं आती। एक भाई को बुलाएगा, कहा कि उसको गधे को जाकर के बगीचे में छोड़ के आओ। तो वो भाई ने मेरे को हाथ पकड़ करके बगीचे में छोड़ दिया। 9 बज गया, रात 10 बज गया, रात की बात है, 11 बज गया। तो मैं बैठा रहा, मैं सोचा बाबा ये कहाँ पहुंच गया मैं। मैंने कहा मधुबनी इतना अच्छा है वहां का। फिर दूसरा मन कहता है तुमको किसने भेजा है, बाबा ने भेजा है, जो होगा अच्छा होगा। तो ये मन कहता है क्या अच्छा होगा। तब तक पुलिस वाला रात को सिक्योरिटी वाला टक टक करके डंडा मारते हुए जा रहा था बाजू में। मैंने सोचा अगर उसने देख लिया पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, जेल में जाएगा। एक मन कहता है नहीं जो होगा अच्छा होगा। इस तरह से मन में युद्ध चलना शुरू हो गया। मैं सोचा अब घर में भी नहीं जा सकते, मधुबन में भी जा नहीं सकते, क्योंकि मधुबन में जाऊंगा तो भाई कहेगा तुम बिना पूछे गए ना, दिल्ली देखना है ना, जाओ अब वापिस क्यों आए, अब ना इधर का ना उधर का रहा। एक मन कहता नहीं बाबा ने भेजा जो होगा सब अच्छा होगा। इस तरह से करते करते रात को 3:30 के बजे जैसे बाबा सामने आकर के कहता है बच्चे कहीं नहीं जाना, आपको हिंदी सिखाऊंगा, वापिस सेंटर पर जाना। तो मुझे हिम्मत आई, फिर मैं योग किया, फिर सेंटर पर गया। तो भाई ने देख लिया मेरे को आ गया, कहता है तुम क्यों आए वापिस, तुम मेरे पास सेवा नहीं करना, किचन में जाकर पोछा लगा दो। तो तब से मुझे किचन में पोछा लगाने की सेवा मिली। जब मैं पोछा लगाता था पोछा लगाते लगाते जो भाई खाना बनाता था, मैं कहता था भाई जी उसमें क्या डाला, कहता इधर देखना नहीं तुम अपना काम कर लेना। उसको लगा कि वो सीखेगा तो वो भी सेवा चली जाए। तो मैं क्या करता तो दूर दूर से देखता था, एक डायरी बनाई थी वो काला काला गोल गोल डाल दिया, वो राई को गोल गोल बोल करके लिखता था, वो ऐसा करके खाना बनाना सीख गया। तो एक अचानक 7-8 महीने के बाद वो भाई को वहाँ से जाना पड़ा। तो मेरे को दादी ने कहा तुम खाना बनाओगे, हमने कहा हाँ दादी जरूर बनाऊंगा, मैं हाँ जी बोलता था। तो मैं जो जो लिख करके पढ़ के आता था वैसा छोक लगाना शुरू किया। तो एक दिन खीर बनानी थी, तो खीर तो मैंने कभी देखी नहीं थी 6 महीने में, वो एक साल में 6 महीने में। तो वहाँ की बहनें भी इतना बताती नहीं थी कि ऐसा बनाओ वैसा बनाओ करके, वो नहीं आती थी जो कुछ ना कुछ ये करके जाती थी। तो एक बहन आई, मैंने कहा बहन जी खीर कैसी बनती है, कहते घुटना भर दूध डालो बोरी भर चीनी डालो खीर बन जाएगी, करके चली गई। मैंने सोचा अरे बाबा ऐसे कैसे। फिर मैंने क्या किया, दूसरी एक बहन जी बैठी थी आसिया बहन जी, मैंने सोचा कि मुझे नहीं आती ऐसे, नहीं हमारे यहाँ ऐसी बनती, आप लोग कैसे बनाते। हमने कहा महाराष्ट्र में हम लोग ऐसे बनाते, आप लोग कैसे बनाते। ऐसे करके मैं खाना बनाना सीख गया धीरे धीरे। तो उसके बाद करीबन 1 साल तक 2 साल तक मैं वहाँ रहा। तो 2 साल के बाद मुझे घर में आने का मौका मिला। जब मैं घर में आया तो घर में आने के बाद मेरा पूरा मधुबन का सरेंडर का पूरा रंग लग गया था। तो मैं रात को उठ करके योग करता था, अमृत वाला करता था, तो भोजन वगैरह भोग लगाता था। तो पिताजी को लगा इसके अंदर फिर से ही विल सोल आ गया। तो उसने क्या किया, पिताजी ने एक दिन मेरे को कहा कि तुमको कई जगह पर चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास प्रदर्शनी का अंग था, मैं लेके चला गया साथ में। तो जा करके वो अंदर तांत्रिक को कुछ बोल के आया, ये चुप चुप रहता है, वो खाना आने के बाद देखता ही रहता है, अब भोग लगाते तो देखता नहीं। और बोला रात को 2 बजे उठता है और चुप बैठता है, बात ही नहीं करता, उसको कुछ हुआ है। तो तांत्रिक आकर के एक रिंगान में डाल दिया मुझे, वो गोल ऐसा लगा दिया, कुछ मंत्र जपने लगा। मैंने सोचा देखते हो क्या होता है। फिर कहता है 50 रुपये दे दो आपका काम हो गया।
तो मैंने कहा भाई 50 रुपये की चीज़ के, कहता आपके अंदर 2-3 ईविल सोल आए, उसको मैंने बंद किया। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो आपको देख रहा आपके अंदर 5 भूत घुसे हैं, आप यहाँ आ जाओ। उसको बाहर ले आया, एक पेड़ के नीचे बिठाया, फिर अपना प्रदर्शनी का अंग निकाला, कैसे हम आत्मा हैं, कैसे सत्युग में अच्छे थे, फिर सत्युग के बाद त्रेतायुग आया वो भी अच्छे थे, द्वापर युग में आज सभी आत्माओं में विकारों के भूत घुस गए, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, और इसीलिए भूत आने का कारण दुखी बने, अशांत बने। और फिर भूतेश्वर परमात्मा को बुलाया और परमात्मा ने आकर के एक विद्यालय खोला है भूत निकालने का, विकार रूपी भूत निकालने का विद्यालय खोला। मैंने कहा वहाँ जाकर मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ, अगर आपके भूत निकालना है मेरे पास 7 दिन आना पड़ेगा। तब पिताजी कहता है भाई इसके अंदर भूत नहीं, भूत तो हमारे अंदर घुसे हैं। तो पिताजी ने क्या किया, कहता आप जहां भी जाते हैं अपना, तब फिर मैंने कहा मैं आजकल माउंट आबू से दिल्ली आ गया हूँ, और दिल्ली में वहाँ सेंटर पर रहता हूँ, और वहाँ का नियम है ब्रह्मचर्य का पालन वगैरह ऐसा ऐसा। पिताजी को लगा इसको कुछ नशा चढ़ गई। पिताजी ने क्या किया, गांव के 10-12 लोग बुलाए, कुछ रिश्तेदारी वालों को बुलाया और मीटिंग बिठाई, क्योंकि मेरे को 2-4 दिन जाना था, 2-4 दिन के बाद जाना था दिल्ली। तो मीटिंग ली तो सब कहने लगे उस संत ने किया था, इसने किया था, उसने किया था, सारे बोलने लगे। मैं अपना योगयुक्त होकर के बैठा था। लास्ट में मैंने कहा आपका हो गया, अब मेरी सुनो। तो मैंने प्रदर्शनी निकाली और एक एक प्रदर्शनी का चित्र समझाया। लास्ट में इसको शिव बाबा का चित्र निकाला। हमने कहा हम सभी आत्मा हैं, इस यह हमारा सबका पिता है, हमारे पिताजी का भी पिताजी, माताजी का भी पिताजी, आप सबका पिताजी, आत्माओं का पिता। और ये कहता है तुम मेरा कहना मानो, ये पिताजी कहता है तुम मेरा कहना मानो, शादी करो, मैं तुम्हें 2 एकड़ जमीन दूंगा, कुएं का पानी दूंगा, जो झोपड़ी है उसमें रहने का चांस दूंगा, अल्यूमिनियम की कुछ बर्तन है वो भी दे दूंगा, अगर कहना मानेगा तो। और मैंने कहा ये पिताजी कहता है तुम मेरा कहना मानो, पवित्र रहो, ब्रह्मचर्य रहो, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, पुष्पक विमान दूंगा, 21 जन्म सोने के चांदी के महल दूंगा। मैंने कहा मैं इसका मानो या इनका मानो, आप ही बताओ। तब वो जो आए हुए लोग बोले कि भाई ये ज्योति बिंदु पिताजी का बहुत ये है, फायदा है, आप इसका मानो तो अच्छा है। पिताजी कहा कि ये जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप भाग्य समझो कि आपके पास ये जन्म लिया है। तब पिताजी ने मेरे को कुछ नहीं बोला, छुट्टी मिल गई। लेकिन ये बात गांव के 4 गांव में पहुंच गई, फलाने का लड़का सन्यासी हो गया, सभी लड़कों को बताया आप लोग कभी भी उसके संग में नहीं जाना, नहीं तो आप लोग भी शादी करना बंद कर देंगे। जब मैं आता था गांव में जाता था, सभी लोग मेरे से सामने थूक के जाते थे, कोई बात ही नहीं करता था। मैंने अंदर से पक्का किया, चाहे गांव तो क्या, दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, मैं बाबा को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं बात करते थे तो मैं क्या करता था, वापिस घर में जा कर के आसपास के सेंटर पर जाना शुरू किया, सेंटर में जाकर के क्लास करना शुरू किया, तब से स्कूलों में सेवा करना शुरू किया, जेल की सेवा करना शुरू किया। गांव में कोई बात ही नहीं करते थे, हमने नहीं जाते थे, नहीं तो पहला एक एक मास वहाँ रहते थे, लेकिन बाद में फिर तो इस तरह से स्कूल। तो एक बार क्या हुआ, मैंने करीबन 200 स्कूलों में किया था और 50 जेल में किया था, और उस सांगली वाले जिले में भी जेल में सेवा की, और उसकी न्यूज़ देने के लिए पेपर वालों के पास गया था। मैंने पेपर वाले पूछे कि आप कहाँ से आए, मैं हिंदी बोल रहा था, उनको लगा ये माउंट आबू से आए। मैंने कहा मैं माउंट आबू में जाता हूँ, मैं इसी जिले का हूँ। तब फिर मराठी में बात किया, कहते तुमको ये ज्ञान कैसा मिला। तब मैंने बताया कि मेरी कहानी, मैं ऐसे रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करता था, उसे रद्दी में मुझे मिला ऐसे ऐसा। उन्होंने पूरी मेरी इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेकर के एक आधा पेज वो पेपर में न्यूज छपा दी, वो गांव का नाम लिख दिया, तड़ेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचारक। दूसरी दिन जब मैं गांव में गया तो उसी दिन कुदरती गांव वालों की मीटिंग थी, कोई गेट बनाने वाले थे गांव के बाहर, उसको उद्घाटन के लिए किसी को बुलाने वाले थे, तो मीटिंग थी। तो उसी समय किसको बुलाना है, तो उसी समय जब मैं गया तो मेरे को कहा आपको पता है आपका पेपर में न्यूज छपा है। मैं बोला वो रोज छपता रहता है।
पेपर में भी आता है, टीवी में आता है, कोई बड़ी नहीं कहा कि आपने तो हमारे गांव का नाम रोशन किया, आप देखो ये आप यहाँ गांव का भी उद्धार करो। मैंने कहा आप तो थक के जाते हैं, अब कैसे उद्धार करेंगे। कहता है नहीं नहीं आप चलो, किसी ने कहा नहीं इसके द्वारा हम उस कमाने वो गेट का उद्घाटन करेंगे। मेरे को पकड़ के लेके गए गांव के गेट का उद्घाटन किया, फिर कहता है स्कूलों में भी करेंगे, वहाँ ही स्कूल में लेके आया, स्कूल में लेक्चर किया। फिर उन्होंने ढोल बजा करके गांव के लोगों को इकट्ठा किया शाम के समय, और करीबन 1500 लोगों का क्लास किया शाम के समय। एक भाई कहता ये ज्ञान इतना अच्छा है, कहता मैं तुमको जितना भी चाहिए जमीन दे दूंगा। एक भाई मेरा क्लासमेट था, वो कहता मैं मकान बना कर दूंगा, और आज गीता भाषा बना कर दिया, 150 लोग वो रोज क्लास में आते हैं वहाँ। अभी तरसते हैं वहाँ, भाई आप कभी आएंगे? मैंने कहा भाई भगवान भाई केवल आपके गांव का नहीं, सारे भारत का ही भगवान भाई है, इसीलिए आपके पास जब आएंगे देखेंगे। कहाँ थूकते थे, कहाँ वो आकर के क्लास कर रहे हैं। इसलिए लौकिक वालों से समस्या ही, ब्राह्मणों से समस्या ही, लेकिन कभी भी जब दिल्ली में सेंटर पर रहता था जाती थी, लेकिन मैंने नेगेटिव को क्या बना दिया। जब मैं खाना बनाता था, खाना बनाने के बाद मैं जाकर के योग करता था बाबा कमरे में, क्योंकि वहाँ केवल जैसे मधुबन में डिपार्टमेंट सिस्टम है, वैसे ही दिल्ली पांडवन में भी डिपार्टमेंट सिस्टम है, अपना काम करो उसके बाद जो चाहे करो। तो मैं अपना खाना बना करके योग करता था, तो बहने में दादी को गुलजार दादी हर सप्ताह में मिलती थी, जहाँ रहने वाले जो भाई हैं उनके साथ। तो दादी को बहने कहते दादी ये भाई है ना योग ही ज़्यादा करता है। तो बहनों ने कहा, दादी ने कहा ये सेवा दिया वो नहीं करता, दादी इसकी सेवा अक्रूट है, लेकिन एक भाई है ना 2 किलोमीटर दूर से साइकिल पर, ये भाई को सेवा दे तो बहुत अच्छा है, दूध में पानी मिलाता है, पता नहीं क्या क्या, वो लेबर था। तो मेरे को दादी ने कहा तुम दूध का सेवा करोगे? हमने कहा हाँ दादी जरूर करूँगा, मैं हाँ जी करता था। तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया, अगर दूध लाने के लिए जाऊँगा, साइकिल सीखूँगा, उसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगी, दूध में लाने के लिए जाऊँगा, वहाँ ज्ञान सुनाऊँगा। फिर अगले सप्ताह में कहा दादी क्या है वो जो किचन में पोछा लगाता है ना, वो भाई हर चीज़ में हाथ डालता है, चीनी लेके जाता है, दोपहर को कोई नहीं होता, इसको सेवा दे तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को दादी ने कहा पोछा लगाने की सेवा करोगे? हमने कहा हाँ दादी। मैंने सोचा अच्छा है पोछा लगाऊंगा तो मेरा अभिमान खत्म हो जाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, उसको भी पॉजिटिव लिया। फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी क्या है वो रात को जो पहरे वाला देता पहरा देता है, क्योंकि गेट थोड़ा दूर था तो अंदर म्यूजियम में एक भाई सोता था, क्योंकि वहाँ रात भर सीजन में फॉरेनर आते हैं, आधा घंटे के बाद एक घंटे के बाद वो बेल बजा देते हैं, उनको गेट खोल करके लाना है, चाय पानी पिला करके उसको रूम में भेजना है। लेकिन कहा कि दादी जो भाई सोता है वहाँ उसको बेल सुनाई नहीं पड़ती, तो एक दो बार क्या हुआ बेल बजाई लेकिन वो उठा ही नहीं, फॉरेनर वहीं बैठे बैठे सो गए, उनकी बैग चोरी हो गई। तो कहा कि इस भाई को सेवा दे दो। तो मेरे को दादी ने कहा तुम रात को पहरा करोगे? हमने कहा दादी जरूर मैं करूँगा। तो मैंने पहरे की मैं सोचा अच्छा ही रात को पहरा करूँगा, फॉरेनर आएंगे इंग्लिश सीखूँगा, कभी विदेश में जाऊँगा तो चांस मिलेगा, उसको भी पॉजिटिव लिया। फिर क्या किया अगले सप्ताह में कहा कि दादी ये गेहूँ पीसने के लिए रखते हैं, दोपहर को कोई नहीं होता अपने गेहूँ को चेंज करते हैं, इसको वहाँ बैठने के लिए जाओ। तो मेरे को दादी ने कहा करेगा? हमने कहा। तो मेरी दिनचर्या इतनी टाइट हो गई बिल्कुल योग करने के लिए, तो मैंने दोपहर को सोना बंद किया, बिल्कुल टाइम निकाल करके योग करता था, सेवा भी करता था, माना व्यर्थ के लिए कहीं टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद फिर कहा कि दादी ये दादी ने कहा इस भाई को हम कितनी सेवा दे रहे हैं, बेचारा भोला हाँ जी करके लेता रहता है, देखो दूध लाता है, रोटी इतनी खाना बनाता है, फिर उसके बाद पोछा लगाता है, पहरे की सेवा करता है। मेरे को बुलाया और मेरे सिर पर हाथ रखा, कहते भाई आगे चल करके बहुत अच्छा बनेगा। आज यहां तक पहुंचा, अगर बड़ों की दुआएं लेते हैं हाँ जी करते हैं आगे बढ़ते हैं, और मैं बहुत खुश रहता था। तो मेरे को बहने वहां की बोलती थी आप इतना खुश क्यों रहते हैं? मैंने कहा इस पांडवन में सबसे अच्छा दुकान मेरा चलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेवा तो दुआएं भी ज्यादा है। आपको कोई जिज्ञासा आया नहीं आया, फिर खाए पिए सोए, तो इसलिए आपको तो खुशी नहीं होगी, नहीं कमाई नहीं है हा? इसी तरह और मैंने जो सेवा सीखा दूध लाने की पोछा लगाने की,
जब दादियाँ वहाँ आती थी वो देखती थी ये लड़का कितना सेवा कर रहे हैं, तो जब मधुबन में गए तो मुझे किचन का सेवा की जिम्मेवारी दे दी। अगर मैं वहाँ सेवा नहीं सीखता तो वो जिम्मेवारी का काम नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को सहन करके लिया। और आज बाबा ने कहा से इतना ही नहीं, जब दिल्ली में रहते थे एक बार मेरे कोलगेट खत्म हुआ था, कोलगेट, तो मैंने वहाँ ऑलराउंड दादी थी, सुना है नाम ऑलराउंड दादी, गुलजार दादी की माताजी। तो किसी ने कहा दादी के पास जा करके लेना पड़ता है, मैंने दादी के पास गया, दादी मुझे कोलगेट चाहिए। वो लाल कहती थी, कहते लाल पुराना लेके आऊँ, मैं पुराना लेके आया, कहते आते समय चकला बेलन लेके आऊँ, लेके आया तो क्या किया बेलन से अच्छी तरह घिसा और थोड़ा सा निकला, कहते लाल 10 दिन चलेगा जाओ बोल दिया। और उसी समय दादी ने एक बात बताई, कहते हैं हमको अगर पैसा चाहिए ना हम बाबा को संकल्प करते हैं, बाबा यज्ञ के लिए पैसा चाहिए। तो फिर बाबा किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहता है बच्चे तुम यज्ञ के लिए पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उसको लगता है अरे बैंक भी कोई देती नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं देता, और ये भगवान बोल रहे हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, देगा वापिस। तो भावना आते भंडारे में डालता है, फिर वो पैसा ला करके बाबा हमारे हाथ में देता है दादी ने कहा, और कहता है उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा करना, इतना उसको यूज करना। और उस घटना से मैंने जो इकोनॉमी सीखी, आज 35-40 साल से यज्ञ में रहता हूँ, पूरा भारत में इतनी सेवा में जाता हूँ, लेकिन एसी में कभी नहीं जाऊँगा, स्लीपर में जाऊँगा। मैं कई प्रोग्राम में जाता हूँ, बैनर खुद का बनाकर लेके जाता हूँ। एक बार बैनर बना, मेरा बैनर 6-7 महीना तक चलता है, उसके एक एक धागे का भी पैसा निकलता है। आज मधुबन में इतना रहता हूँ, कई लोग पूछते हैं आपके पास कौन सी गाड़ी है, अब इतना जगह यहाँ जाते, मैंने कहा मेरे पास 11 नंबर की गाड़ी है, इसी गाड़ी से चलता हूँ। तो ये हमने दादियों से सीखा। एक बार एक बहन की चप्पल टूटी थी, तो दादी ने मेरे को बुलाया, लाल इधर आओ ये चप्पल ठीक करके लेके आओ, और 15 पैसे दिया दादी ने, और वो भी कहा 5 पैसा एक जेब में रखना, दूसरे 5 जेब में 10 पैसा रखना, दोनों इकट्ठा करेगा मोची ले लेगा तुम्हारे से। और पुराने जमाने की दादी थी, तो मैंने कहा ठीक है दादी, तो लेके गया। मैंने कहा मोची को भाई ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसे लगेगा, कहा कि 50 पैसा लगेगा, उस समय 50 ये 86-87-88 की बात है। तो मैंने कहा मेरे पास 15 पैसे आए, कहते 15 पैसे गए किल भी नहीं आएगा जाओ। तो मैंने उसको कहा आपको पता है यह एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में सेंटर ब्रह्मा कुमारी बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा, आश्रम कहते भावना जागृत होती है। मैंने कहा एक आश्रम है, वहाँ देविया जो रहती है ना उनकी ये चप्पल है। कहते अच्छा सफेद ड्रेस वाली देविया, वो चप्पल लेकर के माथे लगाई, कहता मेरा भाग्य है। और उसने चप्पल ठीक करके दिया, मैंने पैसे जब देने लगा, कहते पैसे नहीं चाहिए आप रख दो कोई बात नहीं। मैं वापस आया, दादी को पैसा भी दिया और चप्पल दिया। दादी को कहते हैं, दादी कहते हैं हाँ ये लाल को कुछ अक्कल है, कहते वो मोची 23 में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। कितना बड़ा हिसाब लगाया, 15 पैसे बचाया 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। तो ऐसी ऐसी बातें, एक बार ज्ञान सरोवर बन रहा था तो गुलजार दादी ने हमको एक दिन बिठाया, कहते आप देखो ज्ञान सरोवर बनने वाला है तो हम क्या सेवा करेंगे बताओ। तो ऐसे विचार करते करते दादी कहते हम ऐसा करते हैं, 40 लोग थे, अगर जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनता तब तक शाम के समय दूध पीना बंद, उसके बाद शाम का भोजन हल्का, अगर 40 लोग एक एक ग्लास बचाएंगे, भोजन कम करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा। और सचमुच जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बना, सप्ताह में 2 बार भोजन नहीं करते थे, रात का संडे के दिन, सोमवार के दिन रात को और गुरुवार के दिन रात को भोजन नहीं करते थे बिल्कुल। तो ऐसे करके बच्चा बचा करके दादियों ने सीखा, यज्ञ ऐसा नहीं बना यहां तक। तो इसी तरह हमें भी इसे सीखना है, जब हमारा भी कोई काम होता है हमें भी उस साल पैसे को बचा करके, इस साल दिवाली हम नहीं मनाएंगे, होली नहीं मनाएंगे, इस साल
बिल्कुल सिंपल, एक रोटी एक सब्जी खाएंगे, लेकिन यज्ञ में पैसा डालेंगे, पैसा पैसा इकट्ठा यज्ञ को बना सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें हमने दादियों से सीखी। तो ये आज पूरा भारत में जाकर के इस तरह से ये सेवा करता रहता हूं। इकोनॉमी की बातें दादियों से सीखी, तो बहुत सारी बातें हैं। लास्ट में और एक घटना सुना करके पूरा करता हूं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, चार घंटा में मैं अनुभव सुनाता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। एक एक बार की बात है, मैं मुझे तो वैसे तो कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा कोई भाषा भी नहीं आती, लेकिन सेवा करने का उमंग बहुत। एक बार मैं 91 में कर्नाटक में गया था। जब कर्नाटक में गया तो एक भाई ने मुझे बस में बिठाया। जब बस में बिठा करके चला गया, जब बस में कंडक्टर मेरे पास आया, कहता भाई साहब आपको कहाँ जाना है? मैं गांव का नाम ही भूल गया। अरे मैं फोन भी नहीं, अब वहाँ का एड्रेस भी नहीं, आप सोचे क्या होगा? तो मैंने सोचा अब, तो इतने में फिर मैं कंडक्टर को बोला आप सबकी टिकट निकाल कर लेके आओ, तब तक मुझे याद आएगा। तो सारी की टिकट निकाल आया, मुझे याद ही नहीं आया। फिर पूछता है कहाँ जाना है? मैं बोला मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ आपकी बस कौन से स्टॉप से जाने वाली है? वो सारे नाम लेता रहा, तब याद आया उस गांव का नाम था हागरी भोमन हल्ली। तो इतने नाम कटिंग, लेकिन सेवा की लगन। एक बार कर्नाटक में एक जगह पर गए थे, तो क्या हुआ रात भर जाग करके गया था मैं। पहले तो स्लिप जनरल में जाता था मैं, आजकल मैं 4-5 साल से रिजर्वेशन करके जाता हूँ। उससे पहले तो स्लीपर में जाता, अपना एकदम जनरल में जाता था, रात भर लोगों को ज्ञान सुनाते जाता था। तो वहाँ गया, जाने के बाद 2 बजे दोपहर को 11:30 बजे पहुँचा। तो मैंने बहन जी को पूछा बहन जी मेरी क्या सेवा है? कहते भैया आप आज कोई सेवा नहीं, आप रेस्ट करो, थक क्या है। मैंने कहा नहीं, आज जब तक सेवा नहीं करूँगा खाना नहीं खाऊँगा। तो कहा कि ऐसा है हमारा 3-4 घंटा दूर एक सेंटर है, उस समय सेंटर बहुत कम थे, तो कहा वहाँ जाकर के आप क्लास करके आओ, वहाँ शाम को क्लास चलता है। लेकिन कहते आपके साथ जाने वाला कोई नहीं, साथ में नहीं। मैंने कहा कोई बात ना, मुझे बस में बिठाना, मैं चला जाऊँगा। उस बहन को बताना, तो उन्होंने बताया और कहा कि कल आपका यहाँ बीके भाई बहनों को मिलना है, एक जेल में कार्यक्रम है, 2-3 स्कूलों में कार्यक्रम है, और शाम को फिर निकलना है आपको। तो मैंने क्या किया, वहाँ खाना खा के चला गया। शाम को 5 बजे पहुँचा, 5:30 बजे क्लास था, 5:30 से 7:30 क्लास किया। क्लास करने के बाद बहन जी को खाना वगैरह खाया, मैंने कहा बहन जी मुझे वापिस जाना है। कहते भैया कोई गाड़ी नहीं है। मैंने कहा बहन जी मुझे तो कल, कहते हैं कल सवेरे 8:30 बजे यहाँ से पहली बस चलेगी, वो 12 बजे तक आपको पहुँचाएगी, 12:30 तक। मैंने कहा 12:30 जाऊँगा तो मेरा बीके का क्लास मिस हो गया, 2-3 स्कूलों का मिस हो गया, जेल का मिस हो गया। कहते आप क्या करें? मैंने कहा मैं जाऊँगा, मैं पैदल रात भर चल के जाऊँगा। कहते भैया आप तो बस में आए तो 4 घंटा लगाता और पैदल आपको रास्ता भी पता नहीं। मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे बस स्टैंड पर छोड़ो। तो उन्होंने एक भाई को भेज दिया और कहा कि इनको बस पर स्टैंड पर छोड़ के आओ, छोड़ दिया। 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, कोई गाड़ी नहीं। आखिर 12 बजे एक ट्रक आ गया। मैंने उसको जाकर सामने हाथ खड़ा किया, मुझे जाना है। कहता भाई इसमें सारा फुल बैठे, पहले से लोग बैठे। मैंने कहा मैं पीछे बैठूंगा। कहता पीछे भैंसे भरी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं मुझे दिखाओ। तो देखा कि ये ज़्यादा उनको जरूरी है, दिखा रहे, तो पीछे आकर के मेरे को खोल के दिखाया, सारी भैंसे भरी हैं। थोड़ा लास्ट में रस्सा बांधा था। मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। कहता है देखो कुछ हो जाएगा आपकी जिम्मे। मैंने कहा मेरी जिम्मेवारी ऊपर वाले के ऊपर है, मैं जो बैठना है। बैठ गया, सेवा को उमंग, बैठ गया, तिरपाल डाल दिया। जैसे तिरपाल डाल दिया अंधेरा, भैंसों की आंखें चमकने लगी अंधेरे में, और जैसा ब्रेक लगता था सारी भैंसे पीछे आती थी, और पाँव के ऊपर पाँव पड़े, कुछ सिंग लग जाएं, पूछ लग जाएं, और गोबर पड़ा था बहुत सारा गोबर, और उसके अंदर वो इतनी बदबू आने लगी। मैंने बाबा को कहा बाबा मैं ये तो 4 घंटे के लिए नरक में आ गया, और रात भर आंखों में नींद, क्योंकि मधुबन से आया था जनरल में,
और फिर आज भी रात भी जाएगी। तो फिर मैंने संकल्प करके ऐसा बाबा के पास योगयुक्त होकर के गया, मैंने कहा बाबा नीचे में मेरा ट्रक में चेरी रखा है, वहाँ बहुत बदबू आ रहे हैं, मुझे 4 घंटा आप थोड़ा सा कुछ ये करना। तो बाबा कहता ठीक है बच्चे। जैसे उस समय मेरे को बाबा ने जैसे वो परम धाम कैसे हैं, कैसी विनाश के बाद आत्माएं आते हैं, पहले शिव बाबा आता है, उसके बाद नीचे ब्रह्मा विष्णु अष्टरत्न आते हैं, उसके बाद 16,000 कैसे बढ़, वो इसके अंदर मेरे को तो पता भी नहीं चला, ना बदबू आई ना नींद आई, वो इतना आनंद आया। उसके बाद वापिस आकर के जो जैसे बस स्टैंड पर पहुंचा, वो भाई कहता उठो भाई कुछ हुआ तो नहीं, मैं देखा मैं कहाँ आनंद में था और कहाँ नीचे उसने बुलाया मुझे। तो ऐसे ऐसे बाबा अनुभव कराता है। और पिछले 3 साल पहले कोई और जाने वाला था लेकिन वो बीमार हो गया, इसलिए वो बहनों ने मेरी डिमांड कर दी। तो मेरे को महीने महीने कहा कि आपको ही जाना है, 3-4 साल हो गया होगा, महीने महीने कहा कि जा, लेकिन कहते तुम बैलगाड़ी में नहीं जाना, क्योंकि उसकी सारी तैयारी हुई है, मुझे फ्लाइट में भेज दिया। तो मैं उस समय याद किया, मैंने कहा बाबा मैं कहाँ भैंसों के ट्रक में गया था, आज फ्लाइट में जा रहा हूँ। तो सेवा के लिए हमने ना कोई साधन देखी ना कोई सुविधा देखी। कभी कभी तो मधुबन में एक दिन की किचन में सेवा रहती थी, एक दिन थोड़ा छुट्टी रहती थी, मैं स्टेशन पर भागे भागे थैला लेके आता था, पूछताछ में पूछता था ट्रेन इधर से पहले आ रहे हैं इधर से, वो पूछता था भाई जाना कहाँ है, मैंने कहता था ट्रेन जहाँ से पहले आएगी वहाँ जाना है, कहता इधर से आने वाले हैं, मैं कहता था ये सवेरे 5 बजे कहाँ पहुँचेगी, उस स्टेशन का टिकट दे दूँ। ऐसे ऐसे जाकर के तब जाकर के 5,000 स्कूलों में सेवा की है, 2010 में 5,000 स्कूलों का रिकॉर्ड और 800 जेलों का रिकॉर्ड। तो ये बाबा ने कमाल कर दिया, कहाँ थे हा? तो कैसे कैसे कितनी सारी परिस्थिति आई। इसलिए मेरे क्लासेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा सहन करो, पॉजिटिव सोचो। मैंने केवल क्लास नहीं किया लेकिन हमने खुद भी पॉजिटिव, चाहे परिस्थितियाँ चाहे बहनों के तरफ से, जब मैं कभी मेरे को सब बहनें पहले छुट्टी नहीं देती थी सेंटर की, तो भी मैंने कभी सेंटर के बहनों के प्रति कभी भावनाएं खराब नहीं की। तो जब अभी मैं जाता हूँ, एक दिन मेरे को वहाँ की बहनें पूछा आपको हमने यहाँ जब थे पहचाना नहीं, आपको बहुत तंग किया था, आपको याद आए, लेकिन तो भी आप हमेशा यहाँ आते हैं, फिर घर में जाते हैं, दूसरे भाई लोग सीधा घर में जाते हैं, हमारे पास आते ही नहीं, लेकिन आप ऐसे क्यों। मैंने कहा बहन जी हम कितना भी बड़े बने आखिर आना तो यहीं है। कहते कब आएंगे, हमने कहा 5,000 साल के बाद फिर वही ड्रामा होने वाला है तो हमसे क्यों रूठे। तो बहन कहते आप कितना आगे की सोचते हैं, इसलिए ड्रामा रिपीट होने वाला है, जिन्होंने ज्ञान दिया उसके पास ही जाना है, इसलिए उनके प्रति नफरत ना क्यों। इसलिए सहन शक्ति के मुझे भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छाने हथौड़े लगाए, उन सबका धन्यवाद, अगर वो ना लगाते तो यहाँ ना आते। इसलिए एक एक अगर मैं दिल्ली में ना आता शायद मेरे अंदर जो अवस्था पक्की बने वो नहीं बनती, मधुबन में रहता तो हर बात में कल्याण ही कल्याण है, हर परिस्थिति में कल्याण ही कल्याण। तो और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय हो गया इसलिए मैं यहीं पूरा करता हूँ। ओम शांति। अभी आप बताओ, आप लोगों के जीवन के कुछ क्वेश्चन हो गए तो बताओ, मुझे लगता है सारे क्वेश्चन मेरे जितना तो विघन तो किसी को आए किसी को, लेकिन उस विघ्नों को कैसे पार किया सहनशील बन करके। अगर किसी के फिर भी कुछ हो गए तो 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। है किसी के कुछ क्वेश्चन? हाँ सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। एक बार मैं कोई सेंटर पर गया था, वह कुमारों की भट्टी थी, तो कुमारों को 2 दिन भट्टी की, उसके बाद पूछा कि आपके कुछ क्वेश्चन हो गए तो लिख करके रखकर रखना, इतना ढेर कर दिया था। तो मैंने सोचा अब इतना ढेर कब पढ़ूं, मैंने कहा उससे पहले मैं अपना अनुभव सुनाता हूं। लगभग 2.5 घंटा अपना अनुभव सुनाया, फिर मैंने कहा कि कुमार ये बताओ आप लोगों की क्या क्या क्वेश्चन है। कहता है भाई साहब हमारे सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए आपके अपने अनुभव में। यही क्वेश्चन होते हैं, मम्मी पापा शादी के लिए ये करते हैं, अकेले कैसे रहे, ये ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, इसके अंदर सारे जवाब आ गए। इसीलिए बाबा कहते ना अनुभव की भी लेन देन करूं, ठीक है। ओम शांति।
अच्छा लगा सभी को बट्टी? हाँ, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी इसको प्रैक्टिकल में करना है। मैंने तो एक रद्दी से बाबा को पहचाना, रद्दी से। लौकिक में कभी पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया, 5 क्लास पढ़ाई किया, लेकिन आप लोग तो इतने बड़े सेंटर, इतना सारा सब कुछ, तो कितनी स्थिति अच्छी बनाना चाहिए। कुछ तो सारे तो पढ़े लिखे भी हैं, इसलिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। और अभी भी हम लोग डायरी पेन लेके चलता हूँ, अभी भी देखा आप, रोज की मुरली लिख रहा हूँ, बिल्कुल अभी भी स्टूडेंट लाइफ में चलता हूँ। हर जगह पर डायरी, मुरली, और कुछ नहीं किया, एक मुरली की स्टडी की है बस। मुरली ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुरली के सिवा और कुछ मैं स्टडी नहीं करता हूँ। मुरली सुनता हूँ, सारा दिन उसका चिंतन करता हूँ। इसलिए आप लोग भी कोशिश करके, ये व्हाट्सएप की, फेसबुक की ये बातें, उसको पढ़ना भी नहीं आए, उससे मुरली क्या हो जाएगी, दब जाएगी, मुरली के पॉइंट दब जाएंगे, स्थिति अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए कोशिश करके पुरुषार्थ करना है, ठीक है। ओम शांति। भगवान
जान में आगवां है आपका, अनगिनत हृदय में ऊंचा है स्थान आपका। भगवान के अभियान में आगवां है आपका, अनगिनत हृदय में ऊंचा है स्थान आपका। ये दीप हम जलाए हैं स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके, पर्वत भी सिर नवाए हैं। जग का गुरु बना कभी अपना ही देश है, ओम शांति में ही विश्व की शांति का संदेश है। जग का गुरु बना कभी अपना ही देश है, ओम शांति में ही विश्व की शांति का संदेश है। अनुभव ये गुनगुनाए हैं स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके, पर्वत भी सिर नवाए है स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके। वो तोहफा प्रभु ले आए हैं स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में।